अरे बाबू, जब दिल में नेतागिरी की महत्वाकांक्षा फनफनाती है ना, तो फिर कहाँ के नियम और कहाँ के कायदे, अब सब कुछ हवा हवाई हो जाते हैं गुरु। और हालात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसे। समझ तो गए होंगे आप, जी बात डिप्टी कलेक्टर साहिबा की हो रही है। अरे विधायिका का सपना आंखों में पाले डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे साहिबा, वही वही जिन्होंने संविधान को हाजिर नाजिर मानकर शादी रची थी, लेकिन हारे अब खुद ही नेता बनने की चाहत में अपने संविधान सम्मत जिम्मेदारियों और कायदे कानून को हाज मोला की तरह पचा गई गुरु। चलिए हुजूर मैडम को तो आपने बहुत सुना होगा, अब जरा सच के पर्दे को हटाते हैं गुरु। भगवान कसम सारा झूठ है ना सर जरा का सामने होगा। दरअसल निशा बांगरे छतरपुर जिले में पदस्थ हैं। अचानक बैतूल जिले की आमला सीट से चुनाव लड़ने का मन बना और ऐसा बना प्रभु कि नौकरी को परे रख घर घर पर्चे बांटकर चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म शांति एवं विश्व शांति पुरस्कार कार्यक्रम करने की योजना भी जमा ली गई। इस कार्यक्रम में बाकायदा बौद्ध वोट बैंक को लुभाने के लिए श्रीलंका के न्याय मंत्री एवं 11 देशों के शांति दूत और थाईलैंड के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित भी कर लिया। प्रशासनिक पद पर रहते हुए भी धर्म की आड़ में सियासत का मंच गढ़ा जाता रहा। मसला तब फंस गया साहब जब सरकारी अनुमति नहीं मिली। निशा बांगरे के आरोप सुने होंगे, लेकिन अब सच सुनिए जो सारी स्थिति साफ कर देगा। दरअसल यदि कोई विदेशी नेता या प्रतिनिधि देश में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है। कोई भी साहब टूरिस्ट वीजा लेकर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसे होम मिनिस्ट्री की मंजूरी के साथ विदेश मंत्रालय से आर्मी की मोहर चस्पा नहीं हो जाती। ऐसा कुछ नहीं था, मजबूरन बैतूल प्रशासन को कार्यक्रम की अनुमति पर मनाही की मोहर चस्पा करनी पड़ी। बाकी सूचना के अभाव में विदेशी मेहमानों के लिए वाजिब सुरक्षा का बंदोबस्त भी ना था, यह भी एक बड़ी वजह। साफे की मामला बड़ा ही संजीदा था, कायदे कानून के अलावा यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती तो साफ देश की बदनामी हो सकती थी। ऐसे में सरकारी कदम उचित ही कहा जा सकता है। यहाँ कार्यक्रम की मंजूरी ना मिली तो वहाँ महिला अफसर भनभना उठी, सरकार पर तोहमत जड़ी और इस्तीफे की पेशकशी कर दी। मतलब भैया दाल में काला नहीं बल्कि काले में दाल है। वैसे मैडम पब्लिक है ना सब समझती है, ऐसे ना तो सियासत की जाती है और ना ही लोगों का दिल जीता जा सकता है, बल्कि झूठ की हांडी की खिचड़ी ऑफ जल ही जाती है, ये याद रखिएगा। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।